हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट। हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमने अपनी लास्ट वीडियो में भारत की 10 लॉन्गेस्ट रिवर्स के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें से हमने यहाँ पर कुछ रिवर्स के बारे में यहाँ पर जाना था। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम बाकी सारी रिवर्स जो कि टॉप 10 लॉन्गेस्ट रिवर में आती हैं इंडिया में, उनके बारे में जानेंगे कि क्यों वो टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हैं और उन रिवर्स की क्या खासियत है, इसके बारे में आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारी वीडियोस से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहे। अगर आप ऐसे ही किसी और एजुकेशनल टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। गंगा, गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर है यमुना रिवर। आई गेस इसके बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं। द यमुना ऑल्सो कॉल्ड जमुना ओरिजिनेटेड फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर एट द बेंडर पूंज पीक इन द उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पाई जाने वाली यमुना नदी, जिसे जमुना भी कहा जाता है, इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से है? यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका ओरिजिन माना जाता है। इट इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द रिवर गंगा। ये रिवर गंगा की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी में से एक है। एंड इट डज नॉट डायरेक्टली फॉल इन टू सी। ये डायरेक्टली सी में नहीं गिरती। हिंदन, शारदा गिरी, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, सासौर, चंबल, बेतवा, केन, सिंध, टंस आर द ट्रिब्यूटरी रिवर्स ऑफ यमुना। और ये सारी नदियां क्या है? यमुना की ट्रिब्यूटरीज हैं। द मेजर स्टेट्स थ्रू विच द रिवर्स फ्लोज। और वो मेजर स्टेट जहां से यमुना नदी पास होती है वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड इसलिए क्योंकि वहां पर उत्तरकाशी यमुनोत्री ग्लेशियर से इसका ओरिजिन होता है। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। फिफ्थ है नर्मदा रिवर, 1312 किलोमीटर। द नर्मदा रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड द रेवा एंड प्रीवियसली ऑल्सो नोन एज नर्मदा। इट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द अमरकंटक। इट इज ऑल्सो नोन एज द लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात। नर्मदा नदी जो है उसको रेवा भी कहा जाता है या नर्मदा। इसका जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है? अमरकंटक से होता है। अमरकंटक से ये निकलती है और इसे दुग्ध धारा भी कहा जाता है, नर्मदा के प्रवाह को। ये मध्य प्रदेश की लाइफलाइन है एंड गुजरात की। फॉर इट्स ह्यूज कॉन्ट्रीब्यूशन टू द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड गुजरात, इट कंट्रास्ट विद ऑल द रिवर्स ऑफ कंट्री दैट फ्लोज इन द ईस्ट डायरेक्शन, इट फ्लोज वेस्टवर्ड। ये मध्य प्रदेश और गुजरात में नर्मदा नदी का बहुत ही बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। जहां पर ज्यादातर नदियां हमारी कंट्री में ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो होती है, वहीं ये वेस्टवर्ड में फ्लो होती है। It is also considered as one of the holiest water body. इसके अलावा नर्मदा नदी को बहुत ही पवित्र नदी भी माना जाता है। To Hindus, the Narmada is one of the seven heavenly waters of India. Hindu rituals के हिसाब से जो नर्मदा नदी है वो seven heavenly waterways of India में से एक है। The other six being Gangas, Yamuna, Godavari, Saraswati, Sindhu and Kaveri. यानी कि बाकी की छह हॉली रिवर्स जो कि हिंदू धर्म में मानी जाती हैं, सबसे पहली जो है वो गंगा है, यमुना है, गोदावरी है, सरस्वती है, सिंधु है और कावेरी, और जो सेवेंथ है वो नर्मदा है। द रामायण, द महाभारत एंड द पुराण्स एल्यूड टू इट ऑफन टाइम्स। यानी यहाँ पर नर्मदा नदी का जो वर्णन है ये रामायण, महाभारत और बाकी सारे पुराणों में भी हमें देखने के लिए मिलता है। सिक्स्थ है इंडस रिवर। इंडस रिवर के बारे में सभी ने सुना होगा। इसकी अगर हम बात करें लेंथ की तो दिस इज 3180 किलोमीटर। द हिस्ट्री ऑफ द नेम ऑफ आवर कंट्री इज रिलेटेड टू द इंडस। इट बिगिंस फ्रॉम मानसरोवर लेक एंड देन क्रॉसेस लद्दाख, गिलगित एंड बलूचिस्तान। इट देन एंटर पाकिस्तान। द इंडस इज ऑल्सो नोन फॉर हार्बोरिंग वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड फ्लोरिशिंग सिविलाइजेशन, द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस नदी इसलिए फेमस है क्योंकि ये हमारी हिस्ट्री का भी एक पार्ट है। हमारी कंट्री में जो इंडस जगह थी उसका ये पार्ट है। इसकी शुरुआत होती है मानसरोवर लेक से, उसके बाद ये लद्दाख, गिलगित और बलूचिस्तान को
क्रॉस करती है और पाकिस्तान में ये एंटर होती है। ये फेमस इसलिए क्योंकि काफी ओल्डेस्ट है ये, और हमारे भारत में जो एकदम फेमस सिविलाइजेशन था जिसका नाम था इंडस वैली सिविलाइजेशन, उससे ये रिलेट करती है। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज इंक्लूड इंडस नदी की जो मेन ट्रिब्यूटरीज है वो है जनसेकर, सोन, झेलम, चेनाब, रबी, सतलुज और ब्यास। मेजर सिटीज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस। अब वो सिटीज जो कि इंडस नदी के तट पर बसी हैं वो है लेह, स्कर्दू। द टोटल लेंथ ऑफ द इंडस रिवर इज 3180 किलोमीटर, हाउएवर इट्स डिस्टेंस कवर्ड विद इन इंडियाज ओनली 1114 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं टोटल लेंथ की इंडस नदी की तो वो है 3180 किलोमीटर, लेकिन भारत में ये सिर्फ 1114 किलोमीटर के डिस्टेंस को ही कवर करती है। सेवेंथ है ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की अगर हम टोटल लेंथ की बात करें तो वो है 2900 किलोमीटर। द ब्रह्मपुत्र इज द सेकेंड रिवर दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द मानसरोवर रेंज। और ब्रह्मपुत्र ऐसी दूसरी नदी है जो कि मानसरोवर रेंज से ही इसका ओरिजिन होता है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम अंगासी ग्लेशियर्स नियर मानसरोवर लेक, तिब्बत, चाइना। मानसरोवर लेक में जो अंगासी ग्लेशियर है वहां से इसका ओरिजिन होता है, तिब्बत, चाइना से। इट इज द सोल रिवर हूज जेंडर इज कंसिडर्ड मेल इन इंडिया। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ऐसी नदी है जिसका जो सोल है उसको एज अ मेल जेंडर कंसिडर करते हैं भारत में। जैसे कि आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप गंगा की बात करते हैं, नर्मदा की बात करते हैं, यमुना की बात करते हैं, ये सारी नदियों को एज अ फीमेल रिवर कंसिडर किया जाता है। कि अगर हिंदू रिचुअल्स की हम बात करें तो गंगा को एक देवी माना जाता है, नर्मदा, यमुना, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी की हम बात करते हैं अगर तो ये एकमात्र ऐसी नदी है कि जो जिसका जो सोल है उसको एज अ मेल जेंडर भारत में कंसिडर करते हैं। इट इज कॉल्ड द यरलोंग टी सैंगपो रिवर इन चाइना। चाइना में इस नदी का जो नाम है वो ब्रह्मपुत्र के नाम से नहीं जानी जाती, यरलोंग टी सैंगपो नदी के नाम से ये चाइना में जानी जाती है। एंड देन इट एंटर्स इंडिया विया अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जरिए ये भारत में एंटर होती है। ड्यूरिंग द रेनस्टॉर्म सीजन फ्लड्स आर एन एक्सपेक्टेशनली नॉर्मल इवेंट। यानी कि जब रेनस्टॉर्म सीजन आता है जून से लेकर अक्टूबर तक तो इस नदी में बाढ़ आती ही आती है। ये एक एक्सपेक्ट है कि इस नदी के जरिए उन जहाँ पर ये नदी पाई जाती है उन एरियाज में ये फ्लड का कंडीशन हो ही जाती है ब्रह्मपुत्र नदी की वजह से। द काजीरंगा नेशनल पार्क इज वन ऑफ द बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र। यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा है काजीरंगा नेशनल पार्क। इट देन ट्रैवर्सेस लेंथ विद इन इंडिया इज ओनली 916 किलोमीटर। भारत में ये 916 किलोमीटर की लेंथ कवर करती है। द मोजोली और मजोली इज अ रिवर आइलैंड इन द ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर पे मजोली या फिर मोजोली जो भी हम कह लें एक रिवर आइलैंड है जो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर बसा हुआ है। असम एंड इन 2016 इट बिकेम द फर्स्ट आइलैंड टू बी मेड अ डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। 2016 में असम में है ये। सो 2016 में ये पहला आइलैंड था आइलैंड टू बी मेड अ डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था, पहला ऐसा आइलैंड था। इट हैड एन एरिया ऑफ 880 स्क्वायर किलोमीटर और इसने 880 स्क्वायर किलोमीटर की एरिया को कवर किया है एट द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी। अगर हम 8th रिवर की बात करें तो महानदी। महानदी की टोटल लेंथ है 890 किलोमीटर। द महानदी रिवर ओरिजिनेट्स इन द रायपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। द महानदी वॉज इनफेमस फॉर इट्स स्ट्रेटेजिंग फ्लड्स फॉर अ लॉट ऑफ रिटन हिस्ट्री। हैंस इट वॉज कॉल्ड द डिस्ट्रेस ऑफ उड़ीसा। एनी वे द डेवलपमेंट ऑफ द हीराकुंड डैम हैज एनॉर्मसली मॉडिफाइड द सर्कमस्टांसेस। महानदी का ओरिजिन होता है रायपुर छत्तीसगढ़ की जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से ये ओरिजिन होती है महानदी का। महानदी इसलिए भी फेमस है क्योंकि इसमें भी कई बार इसकी बाढ़ आती है जबकि रेन स्टॉर्म वाला सीजन चलता है। हिस्ट्री में भी कई बार देखा गया है कि महानदी में बाढ़ की संभावना बनी है। हैंस इट वॉज कॉल्ड द डिस्ट्रेस ऑफ उड़ीसा, इसलिए इसे उड़ीसा का डिस्ट्रेस कहा जाता है।
The development of Hirakund Dam has enormously modified the circumstances. लेकिन यहाँ पर जो हीराकुंड डैम बनाया गया था उसके डेवलपमेंट ने कुछ चीजों को चेंज कर दिया है. Today a system of waterways, blast and check dams keep the stream well in charge. इस नदी के आसपास कई डैम्स, वाटरवेज, स्ट्रीम्स बना दिए गए हैं ताकि ऐसा ना. महानदी की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं? सियोनाथ, मंद, हसदियो, ओंग, पेरी, रिवर, जोंक और तेलेन. ये सभी महानदी की क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं. नेक्स्ट हम बात करें तो कावेरी रिवर. कावेरी रिवर की लेंथ है 800 किलोमीटर. कावेरी रिवर ऑल्सो स्पेल्ड कावेरी, यानी कि कावेरी रिवर को प्रोनंसिएशन में कावेरी अलग भी स्पेल्ड किया जाता है. ये भी एक सेक्रेड रिवर मानी गई है सदर्न इंडिया में. इट राइजेस इन ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स इन कर्नाटक. कर्नाटक के वेस्टर्न घाट के ब्रह्मगिरी हिल्स से इसका ओरिजिन होता है और ये साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में फ्लो करती है थ्रू द स्टेट ऑफ कर्नाटक एंड तमिलनाडु एंड डिसेंड्स ऑफ द ईस्टर्न घाट. Before emptying into the Bay of Bengal, Tamil Nadu, the river breaks into a large number of distributaries. यानी कि Bay of Bengal में गिरने से पहले Tamil Nadu and the river breaks into the large number of distributaries. ये जो नदी है ये Tamil Nadu में large number of distributaries में break हो जाती है, forming a wide delta called Garden of Southern India. और ये break होने के बाद एक बड़ा delta बनाती है जिसका नाम है गार्डन ऑफ सदर्न इंडिया कहा जाता है. द कावेरी रिवर सेलिब्रेटेड फॉर इट्स सीनरी एंड सैंक्टी इन तमिल लिटरेचर एंड इट्स एंटायर कोर्स इज कंसिडर्ड होली ग्राउंड. द रिवर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर इट्स इरीगेशन कैनल प्रोजेक्ट. ये जो नदी है ये इसकी सीनरी के लिए काफी ज्यादा फेमस है क्योंकि जो डेल्टा क्रिएट करती है वो बहुत ही अच्छा दिखता है. दूसरा इसे एक होली रिवर यानी पवित्र नदी भी माना गया है और ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई इरिगेशन प्रोजेक्ट भी कावेरी नदी से जुड़े हुए हैं. नेक्स्ट है ताप्ती रिवर. ताप्ती रिवर की लेंथ की बात करें तो 724 किलोमीटर की है लेंथ. ताप्ती रिवर इज वन ऑफ द ओनली थ्री रिवर दैट ओरिजिनेट इन पेनिनसुलर रिवर इंडिया एंड दैट रन फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. ताप्ती रिवर एक ऐसी नदी है जो कि पेनिनसुलर इंडिया से ओरिजिनेट होती है और ये रन कहाँ तक होती है? ईस्ट से वेस्ट तक. इट राइजेज इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट सतपुड़ा रेंज. बैतूल डिस्ट्रिक्ट की सतपुड़ा रेंज से ये राइज करती है और ड्रेन कहाँ होती है? गल्फ ऑफ खंबात अरेबियन सी में ये ड्रेन होती है. इट रन्स थ्रू मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड सिक्स ट्रिब्यूटरीज. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और छह अलग अलग ट्रिब्यूटरीज में क्या होती है? बहती है. इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं? पूर्ण रिवर, गिरन रिवर, गोमई, पंजारा, पैदी और अरना. ये इसकी छह ट्रिब्यूटरीज हैं. मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से ये गुजरती है. तो यहाँ पर हमने 10 उन रिवर्स के बारे में पढ़ा. भारत की टॉप 10 नदियां हैं ये जो कि 10 टॉप लॉन्गेस्ट रिवर्स में आती हैं भारत में. इन सभी के बारे में हमने यहाँ पर डिटेल में डिस्कस किया है कि इनकी टोटल लेंथ कितनी है, इनकी ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं, क्यों इन्हें टॉप 10 की लिस्ट में रखा गया, कौन सी सेक्रेड रिवर है इसमें से और हिंदू रिचुअल्स के हिसाब से क्यों इन्हें पवित्र नदियाँ माना जाता है. सो आई होप यहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे. आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस स्टडी पॉइंट को. अगर आप ऐसे ही किसी न्यू टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं. आज अगर आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखा हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें. जय हिंद, जय भारत.